हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रवि भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सी एस सी ट्यूट्स फॉर यू, दैट मीन्स कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स फॉर यू। सो फ्रेंड्स, आज की हम इस ट्यूटोरियल में कैश मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में मेमोरी और मेमोरी की हायरार्की के बारे में बताया था कि कितने प्रकार की हमारी मेमोरीज होती हैं जिसका यूज कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने के लिए करता है। तो उसमें मैं आपको प्राइमरी मेमोरी, उनके टाइप्स के बारे में, सेकेंडरी मेमोरी और उनके टाइप्स के बारे में बताया था, और ये जो लास्ट मेमोरी का टाइप है वो है हमारा कैश मेमोरी। तो जो कैश मेमोरी होता है, आप इस डायग्राम के थ्रू समझें, जो हमारा कैश मेमोरी होता है वो मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में होता है। तो जो कैश मेमोरी होता है, एक छोटा और एक फास्टेस्ट मेमोरी होता है जिसका यूज सीपीयू डायरेक्टली डेटा को एक्सेस करने के लिए करता है। जो हमारा कैश मेमोरी होता है, कैश मेमोरी रन टाइम के इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है जिसका यूज प्रोसेसर को उसके डेटा को प्रोसेसिंग के दौरान पढ़ने वाला होता है। तो वो रन टाइम के इंफॉर्मेशन को कैश मेमोरी स्टोर करता है। जब प्रोसेसर किसी टास्क को परफॉर्म करता है और उसे किसी डेटा की जरूरत पड़ती है, तो वो सबसे पहले तो उसके इंटरनल मेमोरी जो एक्यूमुलेटर या रजिस्टर होती हैं वहाँ पर जाता है, देन वहाँ पर डेटा को सर्च करता है। अगर वो डेटा वहाँ नहीं मिलता है तो वो कैश मेमोरी में जाता है और कैश मेमोरी से वो डेटा को रिट्राइव करता है, देन उसे टास्क को प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रोवाइड कराता है। ये एक बहुत ही एक छोटा एक वर्चुअल मेमोरी के टाइप से होता है जो रन टाइम के इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और ये दूसरी सेकेंडरी स्टोरेज या प्राइमरी मेमोरी से ज़्यादा फास्ट होता है। जो प्रोसेसर होता है बहुत ही फास्टली यहाँ से डेटा को रिसीव करके, रिट्राइव करके, टास्क को प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रोवाइड कराता है। अगर सीपीयू प्रोसेसर किसी टास्क को परफॉर्म कर रहा है और वो डेटा अगर कैश मेमोरी में नहीं मिलता है, देन प्रोसेसर उसे मेन मेमोरी में सर्च करता है और मेन मेमोरी से वो डेटा वापस से कैश मेमोरी में जाता है, देन वहाँ से वो उसे रिसीव करके अपने टास्क को परफॉर्म कराता है। तो फ्रेंड्स, ये होता है अपना कैश मेमोरी जो मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में होता है, एक इंटरमीडिएट का काम करता है और डेटा को बहुत ही फ्रिक्वेंटली, बहुत ही फास्टेस्ट वे में प्रोसेसर को देने का काम करता है, ताकि प्रोसेसर अपने टास्क को बहुत ही हाई स्पीड से प्रोसेस कर सके। क्योंकि जब प्रोसेसर किसी टास्क को परफॉर्म करेगा, अगर वो डेटा उसे कैश मेमोरी में ही मिल जाएगी तो उसे वो मेन मेमोरी में ढूंढने जाएगा ही नहीं। तो अगर वो डेटा उसे कैश मेमोरी से ही डायरेक्टली मिल जाती है तो उसका जो ट्रैवलिंग टाइम है, अगर वो मेन मेमोरी में जाएगा, वहाँ डेटा को सर्च करेगा, देन वो वहाँ से रिट्राइव करेगा, तो जो वो ट्रैवलिंग टाइम है वो बच जाता है, जिससे जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है, सिस्टम की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो बढ़ती है। तो सिस्टम के प्रोसेसिंग स्पीड को भी बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ बीच में कैश मेमोरी का यूज़ करते हैं, जो डेटा को तुरंत ही फास्टली फॉर्म में एलोकेट कराता है प्रोसेसर को, ताकि वो प्रोसेसर उसको बहुत ही फास्टेस्ट वे में डेटा को प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रोवाइड कराए। सो फ्रेंड, ये होता है हमारा कैश मेमोरी जिसका यूज हम लोग डेटा को सीपीयू को एलोकेट कराने के लिए करते हैं। फ्रेंड्स, आने वाले ट्यूटोरियल में हम लोग मेमोरी यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या होता है मेमोरी यूनिट और कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपने हमारा पिछला ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे पिछले ट्यूटोरियल को देख लें, ताकि आपको आने वाला ट्यूटोरियल ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो का यूज़ कर सकें, इस वीडियोज़ को देख सकें। और आप अपनी सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू दे सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सकें सबसे पहले, जो कि बिल्कुल फ्री है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।